दोस्तों आप यहां पे सामने फोन देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये फोन है LYF का और इस मोबाइल का हमें बूट रिपेयर करना है। दोस्तों इस मोबाइल को आप देख रहे हैं, ये मोबाइल LYF का है, इसका मॉडल नंबर है 5016 LS 5016। तो इस मोबाइल को अगर हम फ्लैश करते हैं तो ये फ्लैश नहीं होता है, और अगर हम इस मोबाइल का एडियल मोड लाते हैं तो एडियल मोड आता है किसी तरह से, कभी आता है कभी नहीं आता है, और अगर एडियल मोड आ भी आता है तो इसे हम फ्लैश करते हैं तो ये मोबाइल फ्लैश नहीं होता है, क्योंकि इसका बूट जो है बिल्कुल डैमेज है। तो हमें इस मोबाइल का बूट जो है रिपेयर करना है UMT डोंगल से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि UMT डोंगल से कैसे भी आप किसी भी क्वालकॉम CPU का, चाहे वो किसी भी कंपनी का फोन हो, चाहे वो MI का फोन हो, चाहे ओप्पो का फोन हो, चाहे वीवो का फोन हो, अगर उसमें क्वालकॉम डिवाइस है, क्वालकॉम प्रोसेसर उसमें लगा हुआ है, तो आप उसका बूट जो है रिपेयर कर सकते हैं अपने UMT डोंगल से। अगर आप जानना चाहते हैं कि UMT डोंगल से बूट कैसे रिपेयर होगा तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा पूरी बात, ठीक है, और ये वीडियो अंत तक आपको देखना है। और चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक तरफ आपको डिवाइस मैनेजर, एक तरफ आपको हम अल्टीमेट मल्टी टूल दिखा रहे हैं, क्यूसी फायर का टूल दिखा रहे हैं, एक तरफ आपको हम यहाँ पे मोबाइल का वीडियो दिखा रहे हैं। और ये तीनों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि कैसे बूट कराना है मोबाइल को, कैसे बूट करा रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि हम अपने मल्टी टूल में जो है सबसे पहले अपना फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अल्टीमेट मल्टी टूल में हमने फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर लिया अपना, उसके बाद हमें फिर दूसरा वाला फाइल जो है उसको भी हमें यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है, उसे हमने सेलेक्ट कर लिया है। और चलिए हम इसको फ्लैश करते हैं। तो फ्लैश करने से पहले चलिए हम अपने मोबाइल को अपने डिवाइस मैनेजर से कनेक्ट करते हैं, बूट कराते हैं, ठीक है। तो बूट कराने के लिए मोबाइल का बैटरी निकाल देना है, उसके बाद बैटरी लगा देना है, वॉल्यूम प्लस माइनस को दबा के रखना है, फिर आपको लास्ट में डाटा केबल लगाना है। और जैसे डाटा केबल लगाएंगे तो मोबाइल थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा और आपके कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में कुछ परिवर्तन होगा और वहाँ पे QD लोडर 9008 आना चाहिए। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पे QD लोडर 9008 यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा, जबकि हमने मोबाइल को बिल्कुल उसी तरीके से बूट कराया जिस तरह से कि जो है क्वालकॉम CPU को बूट कराया जाता है वॉल्यूम प्लस और माइनस के जरिए से। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो है बूट कराया, बूट नहीं हुआ, आइडियल मोड नहीं आया, तो हमने यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर दिया। अब फ्लैश पे हमने दोबारा क्लिक कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे आइडियल मोड मांगा जा रहा है अल्टीमेट मल्टी टूल में। चलिए हम फिर से फोन को दोबारा यहाँ से जो है बूट कराते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बैटरी निकालना है, बैटरी निकालने के बाद बैटरी वापस लगाना है, वॉल्यूम प्लस माइनस को दबा के रखना है कंटिन्यू, और डाटा केबल लगाना है। और जैसे डाटा केबल लगाएंगे तो फिर हमारा मोबाइल जो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर से बूट करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो यहाँ पे बूट नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे QD लोडर 9008 नहीं आ रहा है। चलिए फिर से हम यहाँ पे एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से हमें मोबाइल का बैटरी निकाल देना है, फिर से बैटरी लगा देना है, फिर वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को एक साथ दबा के रखना है, और उसके बाद हमें लास्ट में जो है डाटा केबल को लगा देना है। और जैसे हम डाटा केबल लगाएंगे तो हमारे डिवाइस मेजर में QD लोडर 9008 आनी चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बार बार हम जो है मोबाइल को बूट करा रहे हैं सिस्टम से, ठीक है, लेकिन ये मोबाइल जो है बूट नहीं हो रहा। चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल हमारा बूट कर चुका है, मोबाइल तो बूट कर चुका है, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लाइनें चल करके उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिर से रुक गया। तो दोस्तों चलिए फिर से एक बार हम यहाँ पे फिर से इस मोबाइल को ट्राई करेंगे, फिर से फ्लैश करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, किसी तरह से अगर एडियल मोड आ भी जा रहा है लेकिन मोबाइल फ्लैश नहीं हो रहा। चलिए फिर से हम ट्राई करते हैं दोबारा। तो फिर से हमें वापस डाटा केबल निकालना होगा, बैटरी निकालना होगा, फिर से बैटरी लगाना होगा, बैटरी लगाने के बाद वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के रखना होगा, फिर डाटा केबल हमें लगाना होगा। चलिए फिर हम बूट कराते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लें कि मोबाइल बूट कर चुका है, लेकिन बूट करने के बाद ये मोबाइल कम्प्लीटली जो है फ्लैशिंग नहीं होता है, ये फिर यहाँ पे रुक गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये फ़ोन जो है फ्लैश नहीं हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है कि इसका बूट रिपेयर करना है। तो बूट रिपेयर करने के लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ पे ऑटो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑटो का चेक हटाना है, यूज़ कस्टम लोडर, यहाँ पे आपको चेक लगाना है और यहाँ पे आपको लोडर फाइल सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए लोडर फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने लोडर फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। चलिए हम एक बार फिर से यहाँ पे फ्लैश करते हैं, हमारा मोबाइल पहले से कनेक्ट है डिवाइस मैनेजर से। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर से फ्लैश करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल यहाँ पे जो है फ्लैशिंग शुरू हो चुका है। तो चलिए इस मोबाइल को पूरी तरह से फ्लैश होने के लिए देते हैं और फिर आगे आपको बताते हैं
कि आगे ये मोबाइल हम आपको दिखाएंगे कि ये मोबाइल जो है रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ्लैशिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फ्लैश हम अभी कर रहे हैं और इसमें फ्लैश जो होगा और इसकी स्पीड हमने हाई कर दी है ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आप आसानी से पूरी वीडियो को देख लें और समझ लें। तो थोड़ा सा आप वेट करके, थोड़ा सा इंतजार करके आप इस वीडियो को पूरा देख लें। तो दोस्तों आपने देखा कि इस मोबाइल को हम फ्लैश कर रहे थे, तो नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग फ्लैश करते हैं सभी मोबाइल को, वैसे हम फ्लैश कर रहे थे। ये मोबाइल फ्लैश नहीं हो रहा था क्योंकि इसका बूट जो है डैमेज था, तो इसका लोडर फाइल हमने सेलेक्ट किया और लोडर फाइल के साथ साथ फ्लैश फाइल भी हमने सेलेक्ट करके रखा है। और उसके बाद सारे फाइल को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद हमने इस मोबाइल को फ्लैश किया, ये मोबाइल अभी फ्लैश हो रहा है। तो चलिए इस मोबाइल को अभी हम दिखाएंगे आपको कि ये मोबाइल कंप्लीट फ्लैश होने के बाद ये मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए अगर आपके पास UMTD डोंगल नहीं है, आपके पास मेडिकल बॉक्स है, तो आप मेडिकल बॉक्स से भी जो है इस तरह से आप फ्लैश कर सकते हैं। टोटल फाइल को सिलेक्ट करके, बूटलोडर फाइल को सिलेक्ट करके, फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करके, कस्टम लोडर फाइल को सिलेक्ट करके आप जो है मेडिकल बॉक्स से भी फ्लैश कर सकते हैं, उसका बूट रिपेयर कर सकते हैं। उसमें भी ऑप्शन है, मेडिकल बॉक्स में भी, मेडिकल बॉक्स से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेडिकल बॉक्स में जहाँ पे आप क्वालकॉम जो टूल सेलेक्ट करते हैं मेडिकल बॉक्स में, तो वहाँ पे जो ऑप्शन होता है फ्लैशिंग का, तो फ्लैशिंग के ऑप्शन में वहाँ पे आप देखेंगे कि दो तरह का ऑप्शन होता है, एक होता है कस्टम फ्लैशर, एक होता है फ्लैश, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कस्टम फ्लैशर से आप जो है बूट को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है कंप्लीट फ्लैश हो चुका है, बूट रिपेयर हो चुका है, हमारा मोबाइल कंप्लीटली फ्लैशिंग हो चुका है और हमारा मोबाइल कंप्लीटली ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।